रूप से जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा तो वो तोड़फोड़ करता है। हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हुई थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं, उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोलनी उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हो या पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता या पकड़ा जाएगा, अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और FIR उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पर पकड़े हैं उसी तारीख में जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यही इसी दीवार पर खड़ा हो गए, हमसे ही क्वेश्चन कर रहे थे। हम कह भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा, उसका गट्टा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पर थे उन्होंने बता दिया कल भी आ रहा था, और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए, अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा, उसको यहां से जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा उसको यहां से जाना होगा। या तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहां पर होंगे तो ही यहां रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको यह स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको, सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है, किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे, एक दिन यहां एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर गांव वाले समझ जाएंगे सब। फिर कहेंगे कील काटने की बात करी, हां करी हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। छोटे नहीं, अब फिर लगाओ जाइए और दी, फिर ये कह दिया। हमारे गांव वाले सब समझ जा क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगानी, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली। लेकिन खुशी की बात यह है, उस मिट्टी का जो कब्जाधारी है उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन यह भी होगा, जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले रहे एमएससी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा,
नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में, और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा, किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि किस तरह का आंदोलन है, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना वे भी दिखाओ करके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है।